हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होता है इंट्रोडक्शन, देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। दुनिया का पहला कैलकुलेशन करने की मशीन अबैकस है। जो दुनिया का सबसे पहला जो कैलकुलेशन करने की मशीन आया या कंप्यूटर आया, उसका नाम अबैकस है। अबैकस को अबैकस कंप्यूटर भी बोलते हैं। अबैकस को जो है अबैकस कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसकी खोज कहाँ? बेबीलोन ने करी थी। इसकी खोज जो है बेबीलोन ने करी थी, जो कि चीन में है। चीन का मतलब पर्सन है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, तो वो चार्ल्स बैबेज है, फादर ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आया था, उसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है और कौन कौन सा जनरेशन आ चुका। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 और 1955 में आया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था, वो बैच ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जो उसमें चीज़ें हम करते थे या उसमें जो भी प्रोग्राम रन होते थे, वो असेंबली लैंग्वेज का मतलब उसमें यूज़ किया गया, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो एनईएक हो गया, मार्क 1 हो गया, यूनिवैक हो गया, ईडीसैक हो गया। इसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। एनईए का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर इडसैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 में आया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम मतलब कई प्रोग्राम रन किए जा सकते थे। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी? बेसिक एंड कोबोल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया था, वो बेसिक एंड कोबोल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और सेकेंड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है IBM 700, IBM 1400, IBM 1600। तो ये सेकेंड जनरेशन में ये कंप्यूटर्स आए थे और इन चीज़ों का यूज़ किया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर के 1975 तक थर्ड जनरेशन चला, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल IBM 370, हनीवेल और यूनिवैक 1108, ये जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 और 1989 के बीच में आया था, जो कि इसमें VLSI का यूज़ किया गया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था। स्टोरेज के लिए सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम, और विंडोज़। दो ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया था। और जो उसमें चिप यूज़ की गई थी, वो माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। इसका एग्जाम्पल क्रे 1 और डेक 10, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 से और अब तक चल रहा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें VLSI का यूज़ किया गया था। VLSI यूज़ किया जा रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज हमारा जो ऑप्टिकल डिस्क और SSD है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD का यूज़ करके बहुत बहुत फास्ट होती है। अगर आप कोई भी इनपुट आउटपुट परफॉर्म करते हैं, तो बहुत फास्ट होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। जो फिफ्थ जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और उसके एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जो आजकल आ रहे हैं, Core i5, Core i7, ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे पंच कार्ड है। पंच कार्ड क्या होता है? डेटा को इनपुट देते थे फर्स्ट जनरेशन में। पंच कार्ड के थ्रू हम डेटा को इनपुट देते थे फर्स्ट जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर या CPU, माइक्रो प्रोसेसर या उसको CPU बोल देते हैं, वो हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है।
फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम था इंटेल 4004 बाई इंटेल कंपनी, जो इंटेल कंपनी ने बनाया था। भारत का पहला स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है जो IIT मद्रास में बना था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हीट प्रेशर लेंथ मेजर, तो ये सब चीज़ों का एनालाइज करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर के यूज़ करते हैं। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, मोटरसाइकिल जो स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। थर्मामीटर हो गया, ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो एनालॉग कंप्यूटर इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, जैसे बैंक मॉल दुकान, ये सब जो है डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है और यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे हो गया, पेट्रोल पंप पे जो भी प्राइस वैल्यू डालता है, एयरप्लेन में जो भी हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन कंट्रोल करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से किसी दूसरे रेडियो चैनल पे, तो वो एयरप्लेन में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन में हम रेडियो सिग्नल का यूज़ करते हैं और बहुत रियल टाइम चीज़ें होती हैं उसमें। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर लेस साइज लेस स्टोरेज नॉर्मल यूज़ पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर है वही माइक्रो कंप्यूटर है। अगर आपको कोई पूछ ले जो तुम्हारा माई कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। इसमें साइज लेस होता है और इसका स्टोरेज भी बहुत कम होता है और नॉर्मल यूज़ के लिए करते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, प्रोडक्शन कंपनी, जैसे कि कोई भी काम को 10 गुना तेज़ी से करना है या बार बार रिपीट करना है, वो मिनी कंप्यूटर के अंडर आता है। जैसे प्रोडक्शन कंपनी, माइक्रो कंप्यूटर में 10 गुना तेज़ी से काम करने की क्षमता होती है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टोरेज मोर एंड मिनी कंप्यूटर, मतलब इसमें मिनी कंप्यूटर ही होता है लेकिन स्टोरेज जो है ज़्यादा होता है, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और आकार में भी, ठीक है। हॉस्पिटल बैंक इंडस्ट्री, तो इनमें जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मोर स्टोरेज, बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम एंड वेदर प्रेडिक्शन के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उनमें हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे स्पेस प्रोग्राम हो गया, उसमें हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सुपर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 बाई अमेरिकन सुपर कंप्यूटिंग इन 1964, जो पहला सुपर कंप्यूटर आया था वो CDC 6600 था, जो कि अमेरिकन सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था 1964 में। और बनाया किसने था, सुमेर क्रे ने बनाया था उसका। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सुमेर क्रे को कहा जाता है, जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है सुमेर क्रे को कहा जाता है। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि सीडैक ने बनाया था। CDAC का फुल फॉर्म कहते हैं सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, तो CDAC का फुल फॉर्म हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग। विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जो विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है वो फुगाकू है, जो जापान द्वारा अभी बनाया गया, 2020 में बनाया गया जापान द्वारा। क्या नाम है उसका, फुगाकू। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हमारा यही करता है, पहले इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेस करने का काम CPU करता है, जो हमारा प्रोसेस करता है वो CPU करता है, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है। CPU आर्किटेक्चर, CPU का आर्किटेक्चर कैसा होता है देखते हैं। इनपुट या आउटपुट और जो बीच में जो CPU काम करता है उसमें क्या काम करता है, जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये इसका काम हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर मेमोरी यूनिट हो गया।
कंट्रोल, पहले कोई भी अगर हम इनपुट देते हैं वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट अगर उसको लगता है कि इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है तो ALU को दे देता है। अगर उसको लगता है कि उसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवाना है, बस कल इसको स्टोर करना है, तो मेमोरी यूनिट को दे देगा स्टोर करने के लिए। तो ऐसे हमारा CPU काम करता है, ठीक है। ALU का काम करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। CPU को ऐसा पार्ट है जो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब ALU करता है। ALU में कैलकुलेशन के समय स्टोर होता है वो रजिस्टर होता है, जैसे जब हम ALU में स्टोरेज मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो वो रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन होता है। रजिस्टर बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इनपुट कहाँ से लेना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। कहाँ से इनपुट आ रहा है तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। इनपुट कहाँ भेजना है कंट्रोल यूनिट का काम है। आउटपुट प्रोसेसिंग के ये सब कंट्रोल यूनिट करता है। जो आउटपुट प्रोसेसिंग है या मेमोरी प्रोसेसिंग है ये सब कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट जहाँ डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टोर होती है वो मेमोरी यूनिट कहलाती है, ठीक है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, CPU मदरबोर्ड पे लगा होता है। जो CPU हमारा है वो मदरबोर्ड पे लगा होता है। मदरबोर्ड को PCB भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को PCB भी बोलते हैं, पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर का बैकबोन मदरबोर्ड ही होता है, ठीक है। CPU, RAM, ROM ये सब मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। जो CPU हमारा, RAM है, ROM है, ये सब मदरबोर्ड पे ही लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं कंप्यूटर कनेक्टर के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन से कनेक्टर होते हैं और कौन कौन सा कनेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे USB हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो गया। VGA पोर्ट होगा, वीडियो ग्राफिकल एरे, इसका फुल फॉर्म हो गया। जैसे प्रोजेक्टर के लिए यूज़ करते हैं तो VGA पोर्ट होता है, ठीक है। RJ45 लैन कनेक्शन के लिए, लैन कनेक्शन जैसे इंटरनेट अगर अगर हमें बाहर से लेना है इंटरनेट, तो लैन कनेक्शन के लिए हम RJ45 का यूज़ करते हैं। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जैसे अगर सेम डिस्प्ले दूसरे डिस्प्ले में हमें अगर दिखाना है तो हमें HDMI पोर्ट का यूज़ करेंगे। कॉपी डिस्प्ले करने के लिए हम HDMI का यूज़ करते हैं, और कभी कभी प्रोजेक्टर के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं कि अगर हमें हमारा वो VGA पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो हम HDMI से भी कनेक्ट किया जा सकता है। SMTP स्विच मोड पावर सप्लाई, जब हमें पावर सप्लाई देनी होती है तो हम SMTP का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने प्लग में लैपटॉप को पावर सप्लाई देना चाहते हैं, प्लग से हम लैपटॉप को पावर सप्लाई देना सकते हैं, तो SMTP काम करता है उसके अंदर, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, सिस्टम को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। अब कुछ फुल फॉर्म देखते हैं, जैसे BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है। सो थैंक यू।